जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू लॉजिकल कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अम्ल क्षारक एवं लवण क्या होते हैं। अम्ल क्षारक एवं लवण क्या होते हैं? एसिड्स एसेस एंड साल्ट्स। आज हम लोग इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सभी यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल क्षारक एवं लवण में क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। भाई जितने भी यौगिक पाए जाते हैं उनके रासायनिक गुणों के आधार पर उनको क्या किया जाता है कि अम्ल क्षारक एवं लवण में क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। तो अम्ल क्षारक एवं लवण के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो उनको एक दूसरे से क्या करते हैं? अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए भोजन का स्वाद खट्टा कड़वा, इनमें उपस्थित अम्ल क्षारक के कारण होता है। जो हमारे भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा किसके कारण होता है? इसमें उपस्थित अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। चलिए देखिए अम्ल क्या होते हैं। अब एसिड क्या होते हैं? एसिड्स अम्ल क्या होते हैं? पहले देखिए अम्ल, जो एसिड है ना, अम्ल की उत्पत्ति कहां से हुई? जो अम्ल है उत्पत्ति, पहले हम इसकी उत्पत्ति पढ़ते हैं। तो उत्पत्ति कहां से हुई? जो अम्ल है यह क्या है? एक लैटिन शब्द है। अम्ल क्या है? एक लैटिन शब्द है। अम्ल एक लैटिन शब्द है। एसिडस से इसकी उत्पत्ति हुई। एसिडस जिसका अर्थ है क्या? खट्टा। जिसका अर्थ क्या है? खट्टा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यह नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। और अम्ल जो अम्ल का पीएच मान होता है, अगर कोई पदार्थ अम्लीय है तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 0 से लेकर 6.9 तक होता है। या वो हम कह सकते हैं 0 से अधिक और 7 से कम होता है इसका पीएच मान। भाई जितने भी अम्ल होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है? 0 से अधिक और 6 से 7 से क्या होता है? कम होता है इनका पीएच मान होता है। अब जो अम्ल है, अब आर्गेनियस के अनुसार जो अम्ल होते हैं, अम्ल अपने जलीय विलयन में घुलकर जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ब्रांस्टेड लावी के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं। यह था हमारा अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है? नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल करता था। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। इनका जो पीएच मान होता है वो 0 से लेकर 6.9 तक होता है। यह हम कह सकते हैं 0 से
अधिक और 7 से कम होता है इसका पीएच मान। चलिए देखते हैं हम कि जो कोल्ड ड्रिंक होता है ना, कोल्ड ड्रिंक में जो खट्टे, कोल्ड ड्रिंक में जो खट्टे और तीखे का स्वाद होता है, वो किसके कारण आता है? यानी कि H3PO4 फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। फास्फोरिक अम्ल के कारण आता है कि कोल्ड ड्रिंक में जो मिलाया गया फास्फोरिक अम्ल है उसके कारण क्या आता है, खट्टे और तीखे का क्या आता है, स्वाद आता है। अब फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में बैक्टीरिया और कवक, बैक्टीरिया और कवक की वृद्धि को कम कर देता है। ठीक है, तो जो कोल्ड ड्रिंक में खट्टे और तीखे का स्वाद आता है वो किसके कारण होता है? कोल्ड ड्रिंक में मिलाया गया फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। फास्फोरिक अम्ल क्या, कोल्ड ड्रिंक में बैक्टीरिया और कवक की वृद्धि को क्या करता है, कम कर देता है। चलिए इतनी चीजें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। देखिए टाइप्स ऑफ एसिड्स अम्लों के प्रकार तो पहला है अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल, इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के बारे में पढ़ने वाले। देखिए अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? अकार्बनिक अम्लों को किससे प्राप्त किया जाता है? खनिजों से प्राप्त किया जाता है। तो अकार्बनिक अम्लों को किससे प्राप्त किया जाता है? खनिजों से प्राप्त किया जाता है। भाई जितने भी अकार्बनिक अम्ल होते हैं उनको कहां से प्राप्त किया जाता है? खनिजों से प्राप्त किया जाता है। जैसे क्या हो गया कि HCl H2SO4 HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इन सबको और भी हैं, इन सबको कहां से प्राप्त किया जाता है? खनिजों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अकार्बनिक अम्ल कहा जाता है। अब उसके बाद नंबर दो में रहेगा कि कार्बनिक अम्ल। देखो कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। देखिए कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनको कहां से प्राप्त होता है? पौधों या जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा कि कार्बनिक अम्ल को पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। अकार्बनिक अम्ल को कहां से प्राप्त किया जाता है? पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। जैसे एग्जांपल क्या है? लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। नंबर तीन है हाइड्रा अम्ल। इसके बाद देखो हाइड्रा अम्ल क्या होता है? जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन पाया जाता है
उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रा एसिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नंबर दो इसे कहते हैं HCl। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल क्या होता है, सबसे प्रबल अम्ल होता है। सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। इसलिए क्या होता है, सबसे वो प्रबल होता है। अब नंबर चार क्या है, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड क्या होता है कि जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड कहते हैं। जिन अम्लों में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद क्या है, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। ये सभी क्या कहलाते हैं, ऑक्सी एसिड में आते हैं। अगला नंबर क्या है, नंबर चार है प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाता है। जो प्रबल अम्ल होता है ये अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अणु में क्या कर देता है, टूट जाता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। तो ऐसे अम्ल जो पूर्ण रूप से अपने जलीय विलयन में अणु में टूट जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। एग्जांपल है इसका, एग्जांपल क्या है, जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया। ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल है। ये पूर्ण रूप से अपने पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। ये अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या करते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। अगला है दुर्बल अम्ल वीक एसिड्स। देखिए दुर्बल अम्ल क्या होता है, ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतया पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूट पाते, इसलिए हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो जो दुर्बल अम्ल होते हैं ये अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूट पाते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल CH3COOH। उसके बाद हो गया H3PO4। ये सभी क्या होते हैं कि ये अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं, अगला है तन अम्ल डाइल्यूट एसिड। ये क्या होता है, देखिए तन अम्ल क्या होता है
तनु में क्या होता है, ये जलीय विलयन में इनकी मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, जो तनु अम्ल होता है इनका, जो जलीय विलयन होता है उनमें इनकी मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। अपेक्षाकृत क्या कर सकते हैं, बहुत कम होती है। जलीय विलयन में अपेक्षाकृत जो अम्ल की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, उस विलयन को क्या बोलते हैं, तनु विलयन कहते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। भाई जितनी अम्ल की आवश्यकता होनी चाहिए उससे क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो अम्ल क्या कहलाता है, तनु अम्ल कहलाता है। उसके बाद क्या है, सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल, देखिए सांद्र अम्ल क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड। ये क्या होता है कि ऐसा विलयन जिनमें जिसमें उपस्थित अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होता है, बहुत अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है, अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सांद्र विलयन, सॉरी सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए देखो आज का क्लास हम इसी पर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।